इंदौर में यातायात सुधारने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो यहाँ वही इसी कड़ी में नगर निगम की टीम भी अब मैदान में उतर चुकी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का ऑपरेशन बंबई बाजार इंदौर के राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा है। पिछले 25 सालों के बाद नगर निगम के बुलडोजर की गड़गड़ाहट बंबई बाजार की गलियों में सुनाई दी है। लगातार दूसरे दिन भी निगम का अमला मैदान में उतरा और कई पक्के अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। देखिए इंदौर नगर निगम के ऑपरेशन बंबई बाजार पर एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का फायर अंदाज आया सामने। इंदौर में शुरू हुआ ऑपरेशन बंबई बाजार। बंबई बाजार में 25 सालों बाद सुनाई दी बुलडोजर की गड़गड़ाहट। शहर के लोगों ने भी की कार्रवाई की तारीफ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में यातायात की समस्या से शहर के लोगों को आए दिन जूझना पड़ रहा है। जो यहाँ शाम होते ही शहर के अधिकतर इलाकों में वाहन आपस में गुथम गुत्था होने लगते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम कई बार प्लान भी बना चुका है, लेकिन हर बार अतिक्रमण की कार्रवाई होने के बाद भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि महापौर पुष्यमित्र भार्गव के एक्शन के बाद से नगर निगम का रिमूवल अमला बंबई बाजार सहित अन्य इलाकों में अतिक्रमण की कार्रवाई करते नजर आ रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की माने तो लगातार कई बार चेतावनी देने के बाद भी बंबई बाजार के लोगों ने अपना अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया। अब नगर निगम के अमले को फ्री हैंड देने के बाद रिमूवल अमले कार्रवाई को अंजाम दिए हैं। पूरे शहर में फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। दुकान के शटर और अंदर का जो सामान है वो दुकानदार का है, यदि वो बाहर मिला फुटपाथ पर तो नगर निगम जब्त करेगी और हम सूचना देकर अपील करने के बाद ही कार्रवाई कर रहे हैं। बंबई बाजार में भी लगातार 4 दिन मुनादी की थी, उसके बावजूद जब लोग नहीं माने तो ये कार्रवाई की है। और मेरी सभी बाजार वालों से भी आग्रह है कि शहर हित में फुटपाथ का अतिक्रमण मुक्त रखें, अन्यथा कठोर कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। जहाँ जहाँ ट्रैफिक में बाधा आएगी उनको हम समझाइश देकर जगह अलग स्थान देकर कार्रवाई करेंगे, पर एकदम से अभी उन पर कार्रवाई बिना संज्ञान में लाए, बिना उनकी सलाह किए, बातचीत किए नहीं करेंगे। निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह की माने तो कई बार बंबई बाजार के साथ ही अन्य क्षेत्रों के लोगों को अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर समझाइश भी दी गई, लेकिन समझाइश के बाद भी जब लोगों ने अपने अवैध निर्माण नहीं हटाए तो नियम अनुसार निगम के रिमूवल अमले ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई होती है, कई महीनों से इनफैक्ट समझाइश दी जा रही थी, कई पॉइंट्स पे दी जा रही थी। आगे भी हम इनफैक्ट हम लोग 2-3 पॉइंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके रखे हैं जहाँ पर ये कार्रवाइयों के लिए हम लोगों ने महीनों पहले से, चुनाव के पहले से भी हम लगातार लोगों को समझाइश दे रहे थे, बता रहे थे, दुकानदारों को भी जो पेवमेंट्स पे भी बैठते थे उनको भी, परंतु कहीं ना कहीं उसका बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। इसलिए कार्रवाइयाँ करनी पड़ रही हैं टू शो एंड प्रूव कि नगर निगम एग्जिस्ट करता है और जो बातें बताई जा रही हैं उसको मानना सबके लिए सही बात रहेगा। इस ऑपरेशन के तहत निगम के अमले ने बंबई बाजार में नगर निगम ने दूसरे दिन भी अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई जारी रखी है। जो यहाँ और रिमूवल अमले ने कई पक्के निर्माण भी तोड़े हैं। सालों बाद इस तरह बड़े स्तर पर निगम की इस अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लोगों ने ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बेहद जरूरी बताया है। अब देखना लाजमी होगा कि अब तक किस इस अभियान की गर्मी बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।